सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए। हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। पिछली वीडियो में जहां पर खत्म किया था, आज वहीं से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरुआत करने वाले हैं। बहुत कुछ नया सीखने मिलेगा, बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपको आज सीखने मिलेंगे। आज बहुत अच्छे तो नहीं, मतलब आप कैसे थे, मॉडरेट लेवल के जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बिना देरी के शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखे जरूर जाएंगे। और हाँ, एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी विद्यार्थी इस यानी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, हौसला बढ़ता है। आपसे रिक्वेस्ट कर गुजारिश है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है ए और बी। एक बात याद रखना, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, पहली बारी वीडियो जो थी बेसिक वाली, उसे देखना कि क्षमता का रोल और समय का रोल बहुत होता है। ये दोनों चीज सबसे पहले आपको सवाल में पता होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने के बाद कार्य निकल के आता है, और जब तक काम नहीं निकलेगा कार्य करोगे कैसे, ठीक है कि नहीं? अगर आपको समय निकालना होगा तो काम में क्षमता से भाग देंगे, और अगर क्षमता निकालनी होगी तो कार्य में समय से भाग देंगे, आपको पता है। और क्षमता हमें सवाल में मोस्टली निकाल ही लेते हैं, क्योंकि जानकारी दे रखी होती है तो क्षमता तो निकल ही आती है। समय अगर सवाल में दे रखा है, अगर ये दोनों चीजें दे रखी है तो हम काम निकालेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें बेसिक में बार बार नहीं बताऊंगा, मैं बता चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, पूरे कार्य को, ठीक है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद गया है ये नहीं पता है। जब तक हमने पिछली वीडियो में कुछ सवाल किए थे उसमें हमें यहां पर समय पता था कि शुरू में जो आदमी जा रहा था काम छोड़कर, उसका समय हमें पता था, तो हम उसका काम निकाल ले रहे थे कि कितने काम करके वो गया है। फिर उसको टोटल काम में से हम उसका काम घटा देते थे, बचा हुआ काम जो आदमी बचता था उससे करा लेते थे। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि कुछ दिन बाद गया है, हमें समय नहीं पता है कितने दिन बाद गया है, और जब समय नहीं पता होगा तो उसका हम काम भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। ए चला जाता है कुछ दिन बाद, और बचा हुआ काम जो है वो बी कितने दिन में करता है, 5 दिन में करता है। ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं, देखना, बड़े ध्यान से समझना, बड़े आराम से प्यार से समझाएंगे। देखना, यहां पर मैं समझा देता हूं आपको क्या करना है। एक बॉक्स बनाना है ऐसे, ठीक है। यहां पर आपको ए लिखना है, यहां पर आपको बी लिखना है, ठीक है। अब देखना, कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला गया, शुरू में दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया है, तो ए ने भी और बी ने भी दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया है, लेकिन ये जो समय है ना, यहां से लेके यहां तक का, ये कुछ दिन है, इनको मैं एक्स डे मान लेता हूं। मान के चलो कि यहां तक दोनों ने मिलकर 7 काम किया। ये जो लाइन आई, इस लाइन के बाद कौन चला गया, इस लाइन पे ए छोड़कर चला गया, ठीक है। इसका मतलब इसके नीचे जो भी समय होगा वहां पर ए की मौजूदगी नहीं होगी, ए होगा ही नहीं वहां पर। तो यहां पर ये जो बचा हुआ काम है, ये वाला कार्य किसने किया है, बी ने किया है। कितने दिन में किया है, यहां पर समय दे रखा है 5 दिन, ठीक है कि नहीं? अगर ये बॉक्स आप बनाना सीख गए तो 90% आपका सवाल हो चुका है। ये बॉक्स मैंने बनाया कैसे, इस सवाल में से बनाया है। शुरू में दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, कितने दिन तक नहीं पता। यहां पर मान के चलो इतने दिनों तक किया, और इतने दिनों के बाद कौन चला गया, ये दिन है, ये दिन है, ये समय है, ये वाला समय है, ए चला गया यहां पर, तो इसके बाद ए तो होगा नहीं, बचा हुआ काम बी ने किया है, कितने दिन में, 5 दिन में। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां पर हमें समय किसका पता है, वो हमें पता होना चाहिए। यहां पर हमें केवल 5 दिन पता है, और ये समय किसका है, बी का। बी ने कितने दिन काम किया है, बचा हुआ काम 5 दिन में किया है, बस हमारा काम हो गया। हमें बस समय पता होना चाहिए, क्षमता तो हम यहां से निकाल ही लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से समझना, मैं यहां क्षमता निकाल देता हूं। बताइए ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, आप कहेंगे 20 दिन में। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, 30 दिन में।
एलसीएम कितना आ गया बताना, 60। तो पूरा काम कितना हो गया, 60। ठीक है, 20 का भाग 60 में दूंगा कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 30 का 60 में भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। लो दोनों की क्षमता तो आई। अब जब क्षमता आ गई, अब यहां पर समय किसका पता है मुझे, बी का, और क्षमता बी की कितनी है, 2। तो क्या मैं बी का काम नहीं निकाल सकता हूं कि बी ने कितना काम किया होगा, शेष काम निकल आएगा जो शेष काम बी ने किया होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं काम कि बी ने शेष कार्य कितना किया था। ठीक है, बताओ 2 की क्षमता से बी ने 5 दिन में काम कितना किया होगा, 10 काम किया होगा। तो ये वाला जो कार्य है, ये वाला कार्य निकल आया भैया जो बी ने अकेले ने किया था 10 कार्य। ठीक है, तो ये वाला काम किसने किया होगा, यहां पर ये वाला कार्य दोनों ने मिलकर किया था, कितने दिन तक किया था ये नहीं पता है। पूरा काम कितना है बताना, 60। 60 में से 10 काम तो अकेला बी कर गया, तो इसमें से जब मैं 10 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा बताना, 50 काम शेष बचा था। अब ये 50 काम शेष किसने किया था भैया, दोनों ने किया था, कितने दिन में किया ये नहीं पता, कितने दिन तक किया। ठीक है, क्या मैं ये 50, लेकिन किया तो दोनों ने है ना, तो ये 50 काम दोनों ने अपनी क्षमता से ही तो किया होगा, और दोनों की क्षमता कितनी है बताओ, 3 और 2 5। अगर मैं इनकी क्षमता से भाग दूं तो कितने दिन लगेंगे इस काम को करने में, आप कहेंगे 5 2 50, 10 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि इन दोनों ने जो भी काम यहां पर किया है वो ये 50 काम किया है, अपनी क्षमता से किया होगा। दोनों की क्षमता कितनी है, 5, तो 5 से भाग दिया तो काम, यानी इसको समय कितना लगा है यहां पर, 10 दिन लगे हैं। पूरा काम कितने दिन में हुआ होगा, 10 दिन यहां लगे हैं, 5 दिन ये, तो टोटल हो गए 15 दिन। पहली चीज, अब इसमें कई तरह के आंसर आप दे सकते हैं, जैसे पूछे ये कितने दिन बाद गया था, तो ये काम कितने दिन में हुआ है, 10 दिन में, तो ये 10 दिन बाद गया था। पूरा काम कितने दिन में हुआ है, तो आप कहेंगे 5 दिन ये लगे हैं, 10 दिन ये लगे हैं, 15 दिन में पूरा काम हुआ है। इसमें आप बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। अभी देखिए पहला सवाल है, तो थोड़ा अजीब लगेगा, बहुत से सवाल ऐसे मैं कराऊंगा, जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आपके मन से खुद आवाज आएगी, मजा आ गया, बातें समझ में आ गई सारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। एक जैसे सवाल, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, सेम सवाल मैं होमवर्क में दूंगा आपको करने को। ठीक है, चलिए, ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो चलिए यहां पर लिख लेता हूं मैं, ए अकेला कर सकता है 20 दिन में। ठीक है, और बी अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, या बी कर सकता है अकेला किसी काम को 30 दिन में। ठीक है, दो ही लोग हैं, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है ये सेम क्वेश्चन है, बस वो जो पीछे वाला सवाल अभी मैंने कराया है उसमें और इसमें ये फर्क है कि उसमें पूछा गया था टोटल कितने दिन लगेंगे, तो 10 और 5 15 दिन लगेंगे। इसमें पूछा है ये कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, तो ये 10 दिन बाद गया, सेम सवाल है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, अब आएगा मजा, अब आपको कुछ सीखने मिलेगा, ये है अच्छे लेवल के सवाल, देखना। अब देखिए, बहुत से YouTube चैनल आपने देखे होंगे जहां पर एक टाइप के एक या दो प्रश्न कराते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे, एक जैसे सवाल हम करेंगे, देखना। ये अकेला किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, तो यहाँ लिखेंगे 20 दिन। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में, तो यहाँ लिखूंगा मैं 25 दिन। ठीक है, दो ही ये लोग हैं। ठीक है, अब दोनों का कार्य करने का मुझे समय पता है, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 25 दिन में, तो लासा ले लेंगे, और लासा कितना आएगा, 100 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 100। अब मैं इनकी क्षमता भी निकाल लेता हूं, कम से कम क्षमता तो निकाल ही दूं, इसका भाग इसमें जाएगा 100 में 5 बार, और इसका भाग 25 का इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब तक मैंने क्या किया, पूरा काम करने का अलग अलग समय दे रखा था, वहां से मैंने पूरा काम निकाल लिया 100, और दोनों की क्षमता निकाल ली। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं सवाल को। सवाल दे रखा है कि यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, यहां पर शुरू में ही देखिए समय दे रखा है 5 दिन, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, करा लेते हैं 5 दिन तक काम, 5 दिन तक दोनों ने अपनी क्षमता से काम किया, तो दोनों की क्षमता कितनी है, 5 और 4 9, तो कितना काम कर गए होंगे, 45 काम कर गए, 100 में से 45 करेंगे, शेष काम कितना बचा, तो आप कहेंगे शेष काम सर जी 55 बचा में। ठीक, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि बी चला गया, तो लो बी को यहां से निकाल दो, शेष काम ए ने किया, तो ए की क्षमता तो 5 है भैया, 5 के हिसाब से 55 काम को करने में 11 दिन और लगे होंगे। ठीक है, पूछ क्या रहा है बताइए,
तो अकेला काम जो किया है उसमें टोटल शेष काम ए को कितने दिन में करेगा, शेष काम ये कितने दिन में करेगा, 11 दिन में करेगा। बहुत आसान सवाल था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो वो सेकंड वाली जो वीडियो मैंने बनाई है उसके जैसा ही था। तो अच्छी बात है, रिवीजन होते रहना चाहिए, चीजें माइंड में से निकल जाती हैं। तो बार बार देखिए ऐसे सवाल लौट लौट के बार बार करेंगे, रिवीजन अच्छा होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। बाप रे इतना बड़ा सवाल, ठीक है चलिए पढ़ते हैं एक बार। सवाल में क्या है कि ए बी सी किसी काम को अलग अलग 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं, तो तीन आदमी आ गए। ठीक है मैं यहां पे लिख लेता हूं, ए बी सी कितने कितने दिन में करते हैं भैया काम को, तो वो कह रहा है एक करता है 10 दिन में, एक करता है 15 दिन में, एक करता है 30 दिन में। ठीक है, तीनों का मैं काम निकाल लेता हूं, क्षमता 30 आ जाएगा लासा। ठीक है, काम आ गया 30, इसकी क्षमता आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 1। भाग देके क्षमता निकाल लेंगे, अब तो आप सीख गए होंगे क्षमता निकालना, इसका भाग देके, ठीक है इतनी बात आ गई होगी। अब वो कह रहा है यहां से सवाल शुरू होता है, कह रहा तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, करने दो, कुछ दिन के बाद ए छोड़कर चला जाता है। फिर वही सवाल आ गया, अब तक हमें समय नहीं दे रखा है, यहां पर कुछ दिन है हमें पता ही नहीं, तो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे बॉक्स देखना जरा, यहां मैं बना लेता हूं बॉक्स, उधर बना लेता हूं, ठीक है यहां जगह नहीं है तो यहां बना लीजिए, यहां मैं बना लेता हूं एक बॉक्स। ठीक है, कितने आदमी है, तो आदमी है 3, एक ए है, एक बी है और एक कौन है, सी है। ठीक है, अब देखिए सवाल समय बॉक्स बनाने से देखिए सवाल कितना इजी हो जाता है। शुरू में कुछ दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, तो ये वाला जो समय है ना, ये वाला समय इसको मैं कुछ दिन मान लेता हूं, मैंने एक्स दिन मान लेता हूं। ठीक है, इसके बाद कौन चला गया, ए छोड़कर चला गया। ठीक है, ए काम छोड़ देता, तो इस समय के बाद देखिए यहां तक तीनों ने काम किया है, ये वाला समय जो है ना तीनों ने काम किया है, इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो यहां इस समय के बाद ए है ही नहीं आगे को, इस समय के बाद ए है ही नहीं, तो उसका काम भी नहीं होगा, उसका समय भी नहीं होगा, सब हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे। यहां तीनों ने मिलकर कार्य किया था, इसके बाद यहां कुछ दिन है, ये समय कितना है, कुछ दिन है, इसके बाद कौन चला गया, ए, यहां पर ए चला गया, ए तो आगे होगा ही, तो बताओ कौन होगा, आप कहेंगे बी होगा, सी होगा, ठीक है दोनों होंगे। उस तरह जब ए गया उसके एक दिन के बाद बी भी चला गया, अब जब ए गया है यहां पर और इसके एक दिन के बाद बी चला गया, मान लो बी इस जगह पे गया यहां तक, तो ये वाला समय कितने दिन का है, एक दिन का है। ठीक है, एक दिन का, तो भैया बी ने और सी ने कितने दिन काम किया है, एक दिन किया है, उसके बाद कौन चला गया, बी भी निकल गया यहां से, तो यहां पर बचा हुआ काम किसने किया है, बचा हुआ काम सी ने 3 दिन में किया है, तो यहां पर मैं लिखूंगा ये कितने दिन है, आप कहेंगे कि यहां पर जो सी ने काम किया है ये वाला समय जो है 3 दिन का है। ठीक है, बस हो गया काम, बस ये बनाना आना चाहिए, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल इसमें करेंगे, अगर ये चीज समझ में आ गई कोई दिक्कत, दोबारा समझा देता हूं, तीनों ने मिलकर कुछ दिन तक किया, तो ये हो गया कुछ दिन, इसके बाद ए चला गया तो ए को क्रॉस कर दो, फिर बी और सी ने किया कितने दिन, बी और सी ने एक दिन किया, एक दिन के बाद बी भी चला गया, तो बी को भी इससे आगे क्रॉस कर दो, बचा हुआ काम सी ने किया है कितने दिन में, 3 दिन में। ठीक है, अब इस सब डायग्राम में ध्यान से देखें तो समय किस किस का पता है, अकेले सी का समय पता है 3 दिन का, और बी और सी का समय पता है 1 दिन का। जब समय पता है, क्षमता पता है, काम क्यों नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, टोटल काम मुझे 30 करवाना है, तो बताइए ए बी सी ने तीनों ने यहां पर कितने दिन साथ काम किया है, ये पूछा है सवाल में, आराम से निकालेंगे, देखो जरा ध्यान से, सी ने अकेले 3 दिन काम किया है, सी की क्षमता कितनी है, एक दिन में एक काम करने की, 3 दिन में कितना किया हुआ, 3, तो इसमें से अगर मैं 3 घटा दूं तो बाकी काम कितना बचा, 27, और ये 27 काम कहां हुआ होगा, इस वाले खाने में और इस वाले खाने में हुआ होगा, कब ये काम तो मैंने निकाल के क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 27 बचा। यहां पर बी और सी ने एक दिन काम किया है, बी की क्षमता 2 है, सी की 1 है, दोनों की हो गई 3, एक दिन में 3, तो एक ही दिन किया है, तो इसका मतलब 3 काम और घटा दो इसमें से, 27 में से 3 गए तो कितने बचे आपने, 24। ठीक है, ये 24 काम जो है ये कहां पर हुआ होगा, ये भी काम मैंने घटा दिया, ये भी काम घटा दिया, तो तीनों का काम जो हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 24। इसका मतलब ये 24 काम तीनों ने मिलकर किया था यहां पर, ठीक है, अपनी क्षमता से किया होगा तीनों ने, ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6 के हिसाब से, 6 के हिसाब से तीनों ने
एक दिन में 6 करते हैं, 24 काम को करने में नया कितना समय लगा होगा? आप कहेंगे 4 दिन लगे होंगे। इसका मतलब ये जो मैंने एक समाना था ये कितना था? आप कहेंगे 4 दिन था। कितना था? 4 दिन। ठीक है, अब पूछो क्या पूछना है। पहला सवाल, ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? मैं कहूंगा 4 दिन बाद। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। ठीक है, पहले का आंसर कितना आएगा? 4 दिन। एक बार, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ, एक आंसर कितना आएगा? 4 दिन बाद। पूरा काम कितने दिन में हुआ है? 4 दिन, 1 दिन ये, 5 दिन, 3 दिन ये, 8 दिन। तो पूरा काम कितने दिन में हुआ भैया? 8 दिन में। एक कितने दिन बाद गया था? आप कहेंगे 4 दिन बाद। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ये बन जाएगा ना, ये चीज समझ में आ जाएगी, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। क्षमता हमें यहां से पता चलेगी, समय यहां से पता चलेगा। जिसका समय पता है उसका काम निकाल लेंगे। अब देखो इसको हम एक साथ भी कर सकता था। यहां पर बी और सी का काम निकाल लो, यहां पर सी का काम निकाल लो, अकेले सी का, बी सी का काम और अकेले सी का काम घटा दो, तीनों का काम रह जाएगा शेष, वही बचेगा 24। इकट्ठा भी कर सकते हैं, बस मुझे समझाना है, इसलिए मैं आराम आराम से करूंगा चीजों को। ठीक है, अब देखो जरा आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चलो मैं ऐसे ही करा देता हूं एक बार। 16 में क्या कह रहा है कि तीन लोग हैं। ठीक है, देखिए यहां पर बनाता हूं मैं तीनों को। एक ए है, एक बी है, एक सी है। तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं, पूरा काम निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर समय दे रखा है अलग अलग पूरा काम करने का। कैसे करेंगे जरा देखना। 12 दिन में ए कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी 30 दिन में कर सकता है। तो बताओ एलसीएम कितना आ गया? 60। क्षमता निकाल लें फटाक से। 12 × 5 = 60, इसकी क्षमता 5। 15 × 4 = 60, इसकी क्षमता 4। 30 × 2 = 60, इसकी क्षमता कितनी आ गई? 2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो कह रहा तीनों ने मिलकर 7 काम किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए चला गया। फिर वही बात आ गई, कुछ दिन के बाद ए गया है ना, यहां बना लेंगे एक बॉक्स। तो एक में लिख दूंगा मैं ए, एक में बी और एक में लिख दूंगा मैं सी। यहां पर ध्यान से देखना, मैं कलर बदल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। और चलो ठीक है, देखो इस समय को मैं कुछ दिन मान लेता हूं, यहां पर इसको मैं एक्स दिन मान लेता हूं, जो पिछले सवाल में मान लिया। इन तीनों ने कुछ दिन तक 7 काम किया, ठीक है, इसके बाद ए चला गया। तो इस लाइन के बाद ए चला गया है, तो इसके बाद ए तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब मैं यहां ए को हटा देता हूं, ए का आगे का कोई काम है नहीं। अब ए चला गया तो कौन बचा? बी बचा और सी बचा। तो जब ए चला गया उसके 2 दिन तक दोनों ने 7 काम किया, कौन? बी और सी ने, और फिर बी छोड़कर चला गया 2 दिन बाद। तो भैया यहां पर मान के चलो, ये मैं मान लेता हूं 2 दिन का समय रहा होगा, इस 2 दिन में बी ने भी काम किया होगा, सी ने भी काम किया होगा। ठीक है, अब बी भी चला गया भाई इस लाइन के बाद, तो बी भी चला गया, तो आगे बी को क्रॉस कर। वो कह रहा है शेष काम अकेले सी ने किया, 2 दिन के बाद कौन चला जाता है? 2 दिन में बी भी छोड़ देता है, शेष काम सी ने 2 दिन में किया है। तो ये वाला जो शेष काम है, यहां तक कितने दिन लगे? 2 दिन और लगे काम को होने में। इसमें किसने काम किया भैया? सी ने काम किया। ठीक है, काम हो गया पूरा, हो गया। अब पूछ रहा है, पूछेगा बाद में देखेंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। पूरा काम कितना था यहां पर देखना? 60। ठीक है, पूरा काम 60 मुझे कराना है, देखना मुझे बस ये पता करना है कि ये एक्स दिन जो है तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है, ये पता करना है। कैसे पता करेंगे? पहले ये देखो सी ने कितना काम किया है, पूरा 60 काम कराना है। सी की क्षमता कितनी है? 2। सी ने अकेले कितने दिन काम किया है? 2 दिन। एक दिन में 2, 2 दिन में कितना किया हुआ? 4। तो पहले लिख लेंगे हम 4 काम तो अकेले सी ने किया है। सी ने बी के साथ कितने दिन काम किया है? 2 दिन। और बी की और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 6। 2 दिन में कितना कर गए होंगे बी और सी? भाई एक दिन में अगर 6 करते हैं तो 2 दिन तक इन्होंने कितना काम किया होगा? आपने 6 × 12। ठीक है, इसका मतलब यहां तक जो काम हुआ है, इस लाइन के नीचे जो भी काम हुआ है वो हुआ है 4 और 12, यानी कितना? 16। अगर मैं 60 में से 16 घटा दूं, ठीक है, यहां कितना बचा? 4, 5 में से 1 गया तो कितना बचा? 44। कोई दिक्कत? ठीक है, अब ये 44 काम कौन कर गया भैया? ये 44 काम ये तीनों ने किया होगा। इस लाइन के बाद सी का काम 2 दिन का ये रहा, बी और सी का 2 दिन का काम 12 ये रहा, ये मैंने 16 जोड़ के जैसे ही घटाया, तो इन तीनों ने जो भी काम किया होगा वो ये रहा होगा 44।
और अपनी क्षमता से किया होगा, तीनों की क्षमता जोड़ के कितनी है भैया 11। तो 11 के हिसाब से इनको ये 44 काम करने में कितने दिन लगने चाहिए, आप कहेंगे 4 दिन। इसका मतलब ये तीनों ने जो 44 काम किया है अपनी क्षमता से 4 दिन में किया है। तो यहां एक्स नहीं है, यहां कितना आ जाएगा बेटा 4 दिन आ जाएगा। अब पूछो क्या पूछ रही है कि नहीं, देखो मजेदार चीज। तो बताओ ए कितने दिन बाद गया था, तो ए भैया इतने दिन बाद गया था यानी 4 दिन बाद गया था, पहला आंसर। उसका पूरा काम कितने दिन में हुआ, तो यहां लगे 4 दिन, यहां लगे 2 दिन, यहां लगे 2 दिन, 4 और 2 6 और 2 कितने हो गए 8। इसका आंसर क्या हो गया भैया 8। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, एक होगा 4 और 1 होगा 8। आया मजा के नहीं आया, ठीक है आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, 17 की ओर चलिए आगे बढ़े। देखिए सवाल एक जैसे सवाल पता मैं क्यों करा रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, पढ़ाने का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी चीजें समझ में ना आए और लंबे समय तक ना बनी रहे दिमाग में, वरना वीडियो देखते देखते जिंदगी निकल जाती है, कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, ए बी सी अलग अलग 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं ए, यहां लिख लेता हूं बी, यहां लिख लेता हूं सी, कितने कितने दिन में कर लेते हैं भैया। तो ये कर लेता है 15 दिन में, ये कर सकता है पूरे काम को 20 दिन में, ये 30 दिन में। तो फटाक से मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम आ जाएगा कितना 60, और एलसीएम 60, एलसीएम पूरा काम होता है, इसकी क्षमता 4, 20 + 60, 30 × 60 क्षमता भी आ गई तीनों की, ठीक है। अच्छा, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं पहली बार, तो पहले मेरी 2 वीडियो जो मैंने अपलोड की उसे देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। देखो वो कह रहा है सवाल में, ठीक है, 4 दिन के बाद ए द्वारा काम छोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसके कुछ दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है, ठीक है। शेष काम सी द्वारा 2 दिन में किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ और बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, बना लेते हैं फिर से बॉक्स। कैसे बनाएंगे जरा देखना, पहले कितने आदमी थे, आप कहेंगे 3, ठीक है, 2 नहीं बोलना है, कितने आदमी थे 3, सवाल में 3 है ना, एक ए एक बी और एक सी, कोई बात नहीं। यहां पर ध्यान से समझना जरा, शुरू में 4 दिन के बाद ए के द्वारा काम छोड़ दिया जाता है, तो शुरू में तीनों ने मिलकर काम किया है, उसके 4 दिन बाद ही तो ए गया है, ठीक है। तो यहां पर ए ने बी ने सी ने, यहां पर एक लाइन मिस है, पता है क्या, इस सवाल में एक चीज होनी चाहिए कि तीनों ने मिलकर साथ काम शुरू किया, जोड़ लेना अपनी मर्जी से उसमें। अच्छा जी, सवाल में क्या है, तीनों ने मिलकर काम किया और 4 दिन के बाद यहां पर ए छोड़कर गया है। अब तक सवाल में ये समय नहीं पता था, लेकिन अब पता है 4 दिन। समय पता है तो अपना फायदा ही है, क्षमता मुझे तीनों की पता है, समय पता ही है तो काम निकल आएगा। पूरा काम कितना कराना है 60 काम कराना है, तो यहां पर इन्होंने 60 काम किया है। अब कैसे किया ये 60 काम देखना, 4 दिन तक तो तीनों ने किया है, उसके बाद कौन चला गया ए, उसके बाद भैया यहां पर ए की है ही नहीं, ए इसके बाद ए होगा ही नहीं, ठीक है। उसके कुछ दिन के बाद बी गया है, यानी कि यहां से लेके यहां तक कुछ दिन है, ये मुझे नहीं पता है कितने दिन है। कुछ दिन के बाद कौन चला गया है, इसका मतलब यहां पर बी ने और सी ने तो काम किया है, इसके बाद कौन गया है, बी गया है। यहां पर भैया कुछ दिन के बाद ही तो गया है, तो ये कुछ दिन मैंने मान लिया, ये वाला मैंने एरिया कितना मान लिया कुछ दिन का, एक्स एक्स मान लिया, तो इसके बाद गया है ना बी, तो बी और सी ने मिलके काम किया है कुछ दिन तक, ठीक है। उसके बाद बी चला गया, तो बी को क्रॉस कर, शेष काम जो बचा वो सी ने 2 दिन में किया है, तो यानी कि ये वाला जो समय लगा है ये कितना लगा है 2 दिन लगे, और यहां पर 2 दिन तक किसने काम किया है, अकेले सी ने काम किया है, ठीक। बन गया डायग्राम, निकालो समय, समय कैसे निकालेंगे, क्षमता से कैसे निकालेंगे, देखिए पहले मैं निकालता हूं सी का काम 2 दिन का, तो सी की क्षमता 1 दिन में 2 है, 2 दिन में कितनी होगी, आप कहेंगे यहां पर 4 काम होगा, यहां मैं लिख लेता हूं, देखो ऊपर लिख देता हूं काम, यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, ये काम है, ठीक है, यहां मैं काम लिख रहा हूं, ये कितना काम लिख लिया मैंने 4, सी का 4 काम हो गया, सी ने 4, 60 में से सी ने 2 दिन में कितना काम किया 4, ये समय मुझे पता है, और यहां पर तीनों ने मिलकर काम किया है, तीनों की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे 9, कितने दिन तक किया है 4 दिन तक, तो 9 + 4 कितने हो गए 36, तो 36 काम यहां पे हुआ है, 4 काम यहां पे हुआ है, 36 और 4 कितना हो गया 40,
तो भैया ये बताओ ये 20 काम कौन करके गया है फिर बचा हुआ? तो 20 काम यहां पर हुआ होगा, बी और सी ने किया होगा। अब ये 20 काम जो है, 20 काम जो है बी सी ने अपनी क्षमता से किया होगा, समय ही तो निकालना है तो क्षमता से भाग देना होगा। किसकी क्षमता से देना होगा भैया? बी और सी ने किया है तो बी और सी की क्षमता से भाग देना होगा, यानी 5 से। बी की और सी की क्षमता 5 है तो कितने दिन लगे होंगे यहां पर? भैया 4 दिन लगे होंगे। तो एक्स का मान कितना है यहां पर? 4 दिन है। ये काम कितना है? 20 है। इस 20 काम को करने में 4 दिन कैसे लगे भैया? 20 काम को करने में अपनी 5 की क्षमता से करने में 4 ही दिन तो लगेंगे। अब बताओ सवाल पूछो, क्या पूछ रहे? तो पूछ रहा है बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? तो बी ने भैया कितने दिन बाद छोड़ा था? 4 दिन तक तो बी ने यहां किया था, 4 दिन तक बी ने यहां किया था, 4 और 4 कितने हो गए? 8 दिन। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए भैया? एक सेकंड देखना, क्वेश्चन नंबर 17 ही है, ठीक है। तो पूछा है बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो बी ने 8 दिन बाद काम छोड़ा था। और पूरा काम कितने दिन में हुआ है? तो 4 और 4 8 और 2 10 दिन में पूरा काम हुआ है। बी ने 4 दिन यहां किया है, 4 दिन यहां किया, 8 दिन बाद। इसका आंसर आएगा 8। क्या आएगा? 8, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आ जाते हैं। 18 में भी वही है, अच्छा थोड़ा सा अलग है, भाषा अलग है, बाकी सवाल सेम है, ठीक है। हाँ जी, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। मनोरंजन पता है जिंदगी में बहुत जरूरी है। इस टाइम पे बेरोजगारी इतनी है कि टेंशन, घर की टेंशन, बाहर की टेंशन, दोस्तों की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, कमा के लाना है तो जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशहाली, देखिए खुशहाली खुद कमानी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं है बाहर से लाके तुम्हें खुशहाली देगा, कभी कभी खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होता है जिंदगी में। इसलिए कहता हूँ खुश रहो मस्त रहो। मेरी लास्ट लाइन जो रहती है वीडियो के बाद वो यही रहती है, खुश रहो मस्त रहो, ठीक है। चलिए अब सवाल करते हैं, समझ में आ रही होगी बात आपको। किसी काम को ए बी इतने दिन में करते हैं तो वही हम काम करेंगे भैया। यहाँ पर क्या करते हैं, पहले ए बी सी लिख लेते हैं, तीनों का समय दे रखा है कितना, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, ये 30 दिन में। फटाक से क्या करेंगे, काम निकाल देंगे भैया। तो इनका लासा कितना आएगा, 30 दूनी 60, इनकी क्षमता कितनी आएगी, 6 12 5 60 30 दूनी 60। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी काम निकालने में, ये काम है और ये क्या है, तीनों की क्षमता। इससे और ये चीज दे दी जाती है ना सवाल में तो आसान हो जाता है सवाल, इतनी चीज तो निकल गया, ये क्षमता पता चल गई, काम हमें पूरा पता है, ये काम हमें करवाना है। चलिए शुरू करते हैं। अब कह रहा है चलो बॉक्स तो बनाए ही मैं, बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। कितने आदमी है, 3, तो एक ए है, एक बी है, एक सी है, ठीक है। यहां पर देखते हैं बड़े ध्यान से समझना, कौन कितने दिन बाद जा रहा है। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़कर गया है। मतलब बी कब गया है, मान के चलो काम यहां पर समाप्त हुआ है ना इस जगह पे, तो इससे 3 दिन पहले बी छोड़कर गया है। अगर बी इस जगह पे छोड़ के गया है ना तो काम समाप्त यहां पर हुआ है ना, इसका मतलब इसको मैं कितना मान लूं, 3 दिन मान लेता हूं। तो 3 दिन तक, 3 दिन पहले गया है, काम समाप्त यहां हुआ, उससे 3 दिन पहले बी छोड़कर चला गया है, मतलब बी यहां तक था, इसके बाद बी गया है, तो बी यहां पर नहीं रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये 3 दिन है, मैं दोबारा लिख देता हूं इसे, यहां पर है कितने, 3 दिन, ठीक है। अब कह रहा है कि बी चला गया, ठीक है, और समाप्त होने से 7 दिन पहले ए चला गया था, इसका मतलब काम यहां पर समाप्त हुआ है, इससे 7 दिन पहले ए चला गया है। अगर मैंने ये समय 3 दिन का मान लिया है और तो फिर मैं इस समय को यहां से यहां तक 7 दिन का मान लू, तो ये समय कितने दिन का होगा, यहां से यहां तक का, आप कहेंगे 4 दिन का होगा, ठीक है। तो एक बार इसे रफ कर लेते हैं, जरा आपकी समझ में आ जानी चाहिए। हाँ तो देखना, बड़े ध्यान से समझना, देखो मैंने कहा काम समाप्त यहां हो रहा है, इससे 3 दिन पहले कौन चला गया, बी, तो इसको मान लिया मैंने 3 दिन। काम समाप्त हो रहा है यहां, इससे 7 दिन पहले ए चला गया, अब ये 3 मैंने मान लिया है, तो यहां से ये कितना होगा, 4, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 7, तो इसको मैं मान लू कितना, 4 दिन। तो हो गया देखो, समाप्त होने से 7 दिन पहले हो गया कि नहीं हो गया, ये 3 दिन मान लिया तो 4 मानना ही पड़ेगा, ये तब ये 7 बनेगा, ठीक है। मतलब यहां
सात दिन पहले ए चला चुका जा चुका है, इसका मतलब ए यहां पर नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये खाली जगह बची है, शुरू में कुछ दिनों तक इन्होंने काम किया है साथ, ये नहीं पता कितने दिन किया है, एक मान लेता हूं। और बी और सी ने फिर किया है चार दिन काम, और सी ने अकेले कितने दिन किया है, तीन दिन। लो भर गया डब्बा, निकाल लेते हैं फटाक से काम। कैसे निकालेंगे देखो जरा, एक बार कलर कौन सा ले लें, चलो इसको लेते हैं, निकाल लो। देखो तीन दिन का काम किसका निकालना है, सी का। सी की क्षमता कितनी है, दो, तो तीन दिन में कितना, छह। यहां पर छह काम निकला है किसका, सी का। सी का काम छह हो गया। ये समय चार किसका है, बी का, सी का मिलाकर। तो बी और सी की क्षमता कितनी है मिलाकर, पांच और दो सात। सात के हिसाब से चार दिन में जितना काम होगा, सात चौके अट्ठाईस काम होगा। ये काम किसका आ गया, बी का और सी का, ठीक है। अट्ठाईस और छह कितने हो गए, आप लेंगे चौंतीस। चौंतीस काम तो यहां तक किया है, साठ में से अगर मैं चौंतीस को माइनस कर दूं तो दस में से चार के तो कितने बचे, छह, और पांच में से तीन के तो कितने बचे, दो, ठीक है, छब्बीस। अब ये बताओ ये 26 काम कौन करके गया है, 60 में से ये काम और ये काम मैंने हटा दिया, तो ये तीनों का काम बचा, तो तीनों ने किया होगा 26 काम। और तीनों की क्षमता कितनी है, 6, 5, 11, 2, 13, 13 के हिसाब से इस 26 काम को करने में इन्हें कितने दिन यहां लगे होंगे, तो आप कहेंगे दो दिन लगे होंगे। तो ये निकल आया कितना बेटा, दो दिन, फटाफट, ठीक है, दो दिन आ गया। अब पूछो क्या पूछ रहे हो, वो कह रहा है कि एक काम छोड़ो तो पूरा काम कितने दिन में हुआ है, दो दिन ये लगे हैं, चार दिन तीन दिन ये सवाल में दे रखे, चार और तीन सात, ये निकालना था मुझे, सात और दो कितने हो गए, नौ। तो पूरा काम यहाँ कितने दिन में हुआ है, नौ दिन में हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा, नौ दिन। मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना अगर प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आप भी सवालों को कैसे कर पाओगे। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, चलो एक सवाल मैं होमवर्क में दे सकता हूँ क्या, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे मुझे पता है एक स्टूडेंट का आंसर बस कमेंट में आया है, किसी का आंसर कमेंट में नहीं आया, या तो चीजें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, या आप इतने आलसी हो गए हैं कि कोशिश ही नहीं कर रहे सवाल करने की। इस सवाल को मैं होमवर्क में देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, एक सवाल और कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक बार वीडियो को रोकना, इसको ट्राई करना, एक बार कमेंट में आंसर बताना, गलत बताना पर बताना जरूर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं, चलिए यहां पर खत्म करेंगे इस सवाल के बाद अपनी वीडियो को। यहां पर थोड़ा सा अलग सवाल है, सवाल ये है कि ए और बी मिलकर अगर करें पूरा काम हो जाता है 20 दिन में, ठीक है। बी और सी मिलकर करें तो पूरा काम हो जाता है 15 दिन में, ठीक है। सी और ए मिलकर करें तो पूरा काम कितने दिन में हो जाता है, 12 दिन में। मैंने क्या बोला था, मेरी बात याद होनी चाहिए कि पूरा काम करने का अगर समय दे रखा है तो एलसीएम लेके पूरा काम निकाल लेते हैं। पूरा काम कितना आएगा, आप कहेंगे 60 आएगा, ठीक है। कि अब क्षमता निकालें, अब बड़े ध्यान से समझना है, क्षमता किसकी निकल कर आएगी। 20 का भाग जब मैं 60 में दूंगा तीन बार जाएगा, तो ये तीन क्षमता पता है आपको किसकी है, ये तीन क्षमता जो है, ये तीन क्षमता जो है वो ए और बी की मिलाकर है, ठीक है। यहां पर क्योंकि 20 दिन में ए और बी कर रहे हैं काम को, तो क्षमता भी तो ए और बी की आएगी ना। 15 चौके 60, ये चार क्षमता पता है किसकी है, ये दोनों की मिलाकर क्षमता है। 12 5 7 पता है, ये पांच क्षमता किसकी है, दोनों की मिलाकर क्षमता है। अब मुझे ए और बी की क्षमता पता है, बी और सी की पता है, सी और ए की पता है, लेकिन मुझे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये पूछा है। मतलब मुझे काम ये 60 जो है तीनों पे कराना है, तीनों पे कराना है, तो फिर तीनों की क्षमता पता होनी चाहिए मुझे। यहां पर ध्यान से देखें, या इसका मतलब मुझे ए की प्लस बी की प्लस सी की तीनों की मिलाकर क्षमता पता होना चाहिए। यहां मुझे ए बी की पता है, बी सी की पता है, सी की पता है, लेकिन ए बी सी तीनों की मिलाकर नहीं पता, क्या करें, बड़ी दिक्कत आती है। तो ध्यान से सुनना है, ऐसे सवाल जहां पे आ जाए जहां पर ए बी है, बी सी या सी है, समझाता हूं जरा। बताओ ए की क्षमता जो यहां पर तीन में है, वही ए की क्षमता जो होगी वो पांच में भी नहीं होगी। जैसे मान लो ए की क्षमता दो है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, और बी की क्षमता एक है, तो दोनों की तीन होगी। ए की क्षमता जहां यहां दो है, तो इसमें भी तो ए की क्षमता दो होगी पांच में, है ना। तो अगर मैं ध्यान से देखूं कि ए यहां पर दो बार आया है, बी यहां पर दो बार आया है, सी यहां पर दो बार आया है, तो अगर मैं तीनों की क्षमता यहां जोड़ूं तो पांच और चार नौ तीन बारह, ये जो बारह क्षमता आएगी उसमें इस क्षमता में ए की क्षमता भी दो बार होगी, बी की क्षमता भी दो बार होगी, सी की क्षमता भी दो बार होगी। अगर मैं इसका आधा कर दूं,
जोड़कर आधा कर दूं तो ये छह क्षमता जो है वो किसकी आ जाएगी, ए बी सी की सिंगल सिंगल बचेगी, या डबल थी ए की बी की सी की मिलाकर, तो ये तीनों की क्षमता जो आ गई मिलाकर कितनी आ गई, यहां पर आप कहेंगे सिंगल क्षमता आ गई, कितनी आ गई आप कहेंगे छह आ गई। हमेशा ध्यान रखना ऐसे ए बी बी सी सी ए हो तो तीनों की क्षमता जोड़ो आधी कर दो, क्षमता जोड़ के आधी करोगे तो तीनों की मिलाकर क्षमता आ जाती है ए बी और सी की, ठीक है। बस अब पहला सवाल देखो कैसे करते हैं, इस सात काम को मुझे तीनों पे कराना है तो तीनों की क्षमता कितनी, छह, छह से भाग दे दूंगा आंसर कितना आ जाएगा, दस दिन, पहला आंसर आ गया, पहला आंसर आ गया, ठीक है, दस दिन। अब आगे पूछा है कि तीनों अगर अकेले अकेले करें तो कितने दिन लगेंगे, अकेले अकेले कराना है जी, अकेले अकेले कराना है, ठीक है कर लेते हैं। अब पूरा काम कितना है, साठ, किससे कराना है मुझे, ए से अकेले, बी से, अब अकेले की तो क्षमता मुझे पता ही नहीं है, अकेले ए की क्षमता नहीं पता, बी की नहीं पता, सी की नहीं पता, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगेंगे। तीनों की क्षमता कितनी है, छह, ए और बी की मिलाकर कितनी है, तीन, तो ए और बी की कितनी है क्षमता, तीन, अगर तीन क्षमता तीनों की छह है और दो की इसमें कितनी है, तीन है, तो सी की कितनी बचेगी, तीन, तो सी की क्षमता तीन है और तीन से भाग दे दूं तो तीन अकेला कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे बीस दिन में करेगा, ठीक है। यही काम मुझे साठ जो अगर किससे कराना है, यही साठ काम मुझे अगर यहां तो मैंने सी से करवाया, ठीक है, यहां बी सी की क्षमता कितनी है, चार, तीनों की मिलाकर कितनी है, छह, बी सी की चार है, तीनों की छह है, चार को छह में से घटा दूं तो ए की कितनी आ जाएगी, दो, और अगर मैं ए की क्षमता से भाग दे दूं तो ए कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे तीस दिन में, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखिए सी का निकल आया, ए का निकल आया, बी का भी निकाल लेते हैं, बी की क्षमता यहां से आ जाएगी, सी और ए की क्षमता मिलाकर कितनी है, पांच, तीनों की मिलाकर छह है, सी की और ए की पांच है तो बी की कितनी बची होगी, एक, और एक का अगर सात में भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा बेटा, सात दिन। तो ये था आज के दस, दस तो नहीं, आठ सवाल मैंने शायद करा दिए, लेंथी थोड़ा सा, लेंथी जो थी बड़ी थी, समझाने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, कोई बात नहीं, मेरा काम ही समझाना है। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है ना, वीडियो को लाइक करके, बिना लाइक करके नहीं जाना है, लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों में शेयर करें, जिनका मैथ कमजोर है वहां भी, अगर आपको कोई दिक्कत आती है समझने में तो अपने दोस्तों में, सॉरी कमेंट में टाइप करें, 100% मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए वीडियो का यही विराम देते हैं, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय श्री राम।